नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, इन ओरिजिनल देसी चूजों का ये 3 नंबर दिन है और ये शाम का समय है। इन चूजों को शाम के समय में दाना पानी देने के लिए मैं फार्म के अंदर आया हूं। ये जगह इन चूजों ने काफ़ी गंदा करके रखा हुआ है, तो इस जगह को मुझे अभी साफ़ करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी गंदा हो गया है, इस न्यूज़पेपर को भी उठाना पड़ेगा। अभी मैंने नया न्यूज़पेपर ला के रखा हुआ है। सबसे पहले मैं इन ड्रिंकर को बाहर निकालता हूँ और साफ़ करता हूँ, उसके बाद यहाँ नया न्यूज़पेपर बिछा देता हूँ और इन चूजों को दाना पानी दे देता हूँ। 3 नंबर दिन में इन चूजों को मैं एक मेडिसिन भी देने वाला हूँ, और 3 नंबर दिन में इन चूजों को मैं क्या मेडिसिन देने वाला हूँ उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। मैंने यहाँ नया न्यूज़पेपर ला के रखा हुआ है, तो अभी मैं ये ड्रिंकर यहाँ से उठा देता हूँ और इन्हें साफ कर देता हूँ। मैंने सभी ड्रिंकर साफ़ कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ नया न्यूज़पेपर भी बिछा दिया है और ये देखने में अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने नया न्यूज़पेपर बिछा दिया है और ये चूजे अभी इधर उधर दौड़ रहे हैं। साथियों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक चूजा का हालत ख़राब है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये चूजा नहीं बच पाएगा, फिर भी देखते हैं क्या होता है। इन चूजों को अभी मैं न्यूज़पेपर के ऊपर दाना देने वाला हूँ। पहले दिन में इन चूजों को मैंने सिर्फ कनकी दिया था, दूसरे दिन में इन चूजों को मैंने 50% कनकी और 50% स्टेटर फीड एक साथ मिक्स करके दिया था, और 3 नंबर दिन में भी सुबह के समय में मैंने इन चूजों को 50% स्टेटर फीड और 50% कनकी दिया था, पर अभी मैं इन चूजों को सिर्फ स्टेटर फीड देने वाला हूँ। साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये स्टेटर फीड है और इसे मैंने बारीक कर लिया है ताकि चूजों को खाने में कोई दिक्कत ना हो, और इसे अभी मैं चूजों को देने वाला हूँ। मैंने इन चूजों को स्टेटर फीड दे दिया है, अब मैं इन चूजों को मेडिसिन देने वाला हूँ। साथियों, दूसरे नंबर दिन से मैंने इन चूजों को लिग्जेन पाउडर और एम्बीप्लेक्स देना चालू किया था, और ये मेडिसिन मैं 3रे नंबर दिन में भी इन चूजों को देने वाला हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ एम्बीप्लेक्स और लिग्जेन पाउडर मतलब एंटीबायोटिक एक साथ मिक्स करके रखा हुआ है, और इसे अभी मैं चूजों को देने वाला हूँ। मैंने इन चूजों को दाना पानी दे दिया है और इन चूजों को ठंड ना लगे उसके लिए मैं अभी प्लेन शीट के ऊपर बस्ता से ढक देता हूँ। साथियों, अभी शाम हो गया है इसलिए मैं प्लेन शीट के ऊपर ये बस्ता से ढक रहा हूँ, और सुबह होते ही मैं ये बस्ता उठा देता हूँ। जिन लोगों ने सुबह के समय में जो वीडियो अपलोड हुआ था वो देखा था, उन्हें शायद पता होगा कि मैंने सुबह के समय में यहाँ से बस्ता उठा दिया था, और अभी शाम हो गया है इसलिए मैं फिर से यहाँ प्लेन शीट के ऊपर बस्ता से ढक देता हूँ ताकि चूजों को ठंड ना लगे। साथियों, ऐसा करने से टेम्परेचर बना रहता है जिसके कारण चूजे इकट्ठा नहीं होते हैं और मॉर्टेलिटी ज़्यादा नहीं होता है। अगर चूजे कमज़ोर है तो उसके लिए चूजे तो मरेंगे ही, पर ठंड के वजह से नहीं मरेंगे। अभी मेरे फार्म में जो चूजे मर रहे हैं वो चूजे कमज़ोर है इसलिए मर रहे हैं, बाकी ठंड के वजह से चूजे नहीं मरे हैं। साथियों, इन ओरिजिनल देसी चूजों को मैं किस तरीके से देखभाल करता हूँ उसके बारे में मैं इस चैनल पर आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए इस चैनल पर बने रहना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।